हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दो स्टॉक से रिलेटेड, और ऐसे दो स्टॉक जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि जिन्होंने हमें बहुत जल्दी 100% से भी ज्यादा के रिटर्न दे दिए। 100% के रिटर्न, और अगर हम बात करें टाइम कितना, आई डोंट थिंक सो कि 3 महीने से भी ज्यादा हमें टाइम हुआ है और 100% के रिटर्न दे दिए। तो उन स्टॉक से रिलेटेड दोबारा चर्चा करेंगे। ओके, नाम आपको पता ही है, IEX और नजारा। आगे का हम देखेंगे भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पर भाग चुका है, क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसी चीज से रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो डेली बेसिस पे डाली जाती है, कुछ कल के डेट में मैं वीडियोज नहीं डाल पाया, बट आई बॉट सम शेयर जो कि आज की डेट में अगर देखे तो यहाँ पर 10% का यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए। उससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में बात करेंगे और आपको वैल्यूएबल स्टॉक्स भी बताऊंगा। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आपको हमारी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज लेनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करिए। फाइनेंशियल सर्विस बड़े नॉमिनल चार्जेस, बड़े कम चार्जेस पे आप ले सकते हैं और अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो में चलते हैं, आगे जानते हैं पर्टिकुलर स्टॉक से। सबसे पहले हम जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है नजारा। नजारा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात बताऊं तो नजारा टेक्नोलॉजी, मैंने आपको यहां पर बताया था जब ये शेयर 15 यहां से गिर के 1500 के आसपास आ गया था, फिर यहां पर ये भागा था, फिर उसके बाद गिर के यहां पर आ गया था। ओके, दोबारा आपको यहां पर बताया था। और अगर हम यहां पर से देखते हैं तो ये शेयर विद इन कितने दिन की अगर हम बात करें तो 23 अगस्त, मतलब ज्यादा नहीं हुआ है, एक महीना भी नहीं हुआ है, एक महीने के अंदर अंदर, एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर आपको कितने परसेंट के रिटर्न मिल गए, आपको मिल गए 100% से ज्यादा के रिटर्न। यहाँ पर अगर आज के डेट में देखे तो आपको ये कितने परसेंट के नजर आ रहे हैं, 107% के रिटर्न आ रहे हैं, वो भी कितने, डेढ़ महीने के अंदर अंदर। तो यहाँ पर नजारा टेक्नोलॉजी जो हमने यहाँ पर खरीदा था, पैसे डबल हो चुके हैं। ओके, और हमें अच्छा भी लगता है इस तरीके के जब हम स्टॉक चुन करते हैं और इस तरीके के स्टॉक जब आपको बताए जाते हैं, और वो भी एट दैट टाइम जहाँ पर लोग यहाँ पर खरीदने से डर रहे थे और यहाँ पर टीवी पे लोग बता रहे थे कि और गिरेगा, लोग यहाँ पर खरीद नहीं रहे थे, बट हमने यहाँ पर डेयरिंग दिखाई, शेयर को खरीदा, कुछ शेयर हमने यहाँ भी खरीदे, फिर मार्केट नीचे आई, बट उसके बाद जब भागा तो अच्छा खासा रिटर्न आज के डेट में हमें मिल रहा है, ऑल टाइम हाई पर शेयर चल रहा है। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखें नजारा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 100% से ज्यादा की यहाँ पर रिटर्न दे चुका है, वो स्पीड में ये शेयर यहाँ पर भागा भी है। ओके, नो डाउट अच्छे रिटर्न हमें यहाँ मिले। क्या करती है नजारा टेक्नोलॉजी, तो आपको पता है इंडिया की कह सकते हैं कि यहाँ पर मोनोपोली बिजनेस में है सबसे पहली बात, और उसके बाद अगर हम बात करें गेमिंग सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और जिसकी पहुंच की बात करें तो यहाँ पर देखिए अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड काफी सारी जगह पर यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। राकेश, अभी इसका IPO आता हुआ दिखाई दिया था, IPO भी कब आया था यहाँ पर अगर देखें मार्च में आया था, हाँ मार्च से भी अगर देखें तो भी पैसा यहाँ पर डबल उससे ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर नजारा से रिलेटेड और कुछ पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो एक बार हम यहाँ पर चले जाते हैं और हम देखते हैं आज के दिन में कितनी डिलीवरीज उठाई गई है। तो आप देख सकते हैं आज के दिन में भी 21% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है। रिजल्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसके बहुत जल्दी यहाँ पर रिजल्ट भी आने वाले हैं। ओके, शायद यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर में, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में सॉरी, यहाँ पर आपके रिजल्ट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूँ तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है, और ROE ROCE तो यहाँ पर खड़ी नहीं, नया कंपनी आई है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ आपको तो देखिए यहाँ पर सेल्स, तो सेल्स यहाँ पर देखिए 27 करोड़ की सेल्स थी, फिर 90, और इसी तरीके से सेल्स इसकी बढ़ती हुई जा रही थी। तो हमने इसी बेसिस पे इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए कि कंपनी घाटे से यहाँ पर प्रॉफिट में जनरेट हो गया, कंपनी ने हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स करी है, ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है, घाटे से कंपनी प्रॉफिट में है। तो यही सारे पैरामीटर्स देख के, ओके, इस कंपनी की ग्रोथ देख के, कंपनी का बिजनेस देख के हमने यहाँ पर पैसे लगाए थे, और आज के डेट में देखे तो 100% से ज्यादा यहाँ पर पैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो इसके जो प्रमोटर्स हैं यहाँ पर देख सकते हो, बाकी पब्लिक की बात करें तो 66% की होल्डिंग है, बट 66% की होल्डिंग में भी अगर मैं बात करूं तो देखिए राकेश झुंझुनवाला साहब की यहाँ पर होल्डिंग की बात करें 10.82% के यहाँ पर होल्डिंग है, तो इनका कितना पैसा बना होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरीके से ही ये राकेश झुंझुनवाला सर यहाँ पर इतने पैसा कमाते हैं कि पूछिए पूछो ही मत। DIS की बात करें उन्होंने घटाया था, बट FIIs ने यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई थी, और यहाँ पर अच्छी खासी हिस्सेदारी सबके हाथ में यहाँ पर नजर आती है। नजारा की
बात करूं कि अब क्या करना चाहिए, तो अब एटलीस्ट अभी तो यहाँ पर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 90 है यहाँ पर RSI पे चल रहा है, ओके। और ये यही कुछ पैरामीटर है जिसकी बेसिस पे हम यहाँ पर स्टॉक नहीं खरीदते बेशक से अभी ये कितना भी ऊपर चले जाए, ओके। यहाँ पर खरीदना एक बेवकूफी होगी, ओके। बेशक से ये 4,000 पे भी चले जाए तो मैं इसमें गिला नहीं करूंगा कि हाँ 4,000 पे चला गया है, हमने एक गलती बैट ले ली है, या फिर हमने कुछ भी ले लिया है इस तरीके से। तो हम कहने का मतलब क्या है कि कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दिया है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर पोजिशन किसी की है तो यहाँ पर रख लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत अगर शेयर नीचे आता है थोड़े बहुत टाइम में दोबारा भाग सकता है, बट एटलीस्ट एक बार इसके रिजल्ट देखने चाहिए, जो कि यहाँ पर कभी भी अनाउंस हो सकते हो, जब भी अनाउंस होंगे आई विल टेल यू, ओके। रिजल्ट भी पड़ेंगे और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न्स दोबारा देता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पेशेंटली इस पर्टिकुलर शेयर में वेट करिएगा, देखिएगा इस शेयर से रिलेटेड, और यहाँ पर पोजीशंस लेने से पहले एक बार रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर पोजीशन लीजिएगा, तो आपको एक बेहतरीन बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसने यहाँ पर हम बात करें तो नज़ारा से रिलेटेड, पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि नज़ारा से रिलेटेड हमने कितनी बार यहाँ पर बातें करी है। नज़ारा से रिलेटेड हमने यहाँ पर बार बार आपको बताया, 3 वीक्स पहले भी नज़ारा से रिलेटेड बातें करी थी। नज़ारा की अगर मैं बात करूं तो देखिए मोनोपोली स्टॉक्स 2 मंथ पहले मैंने आपको यहां पर बताया था, और यहां पर देखिए टारगेट भी दिए थे 2500 और 3000, जो कि हमें वो 2 महीने के अंदर अंदर जाते हुए दिखाई दिए, ओके। तो देखिए यहां पर बताया भी था ऑपरेटर का किस तरीके से गेम चल रहा है नज़ारा के अंदर, ये स्टॉक्स को गिरा रहे हैं, तो ये चीज समझने वाली बात होती है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ पर वीडियोज बनाता हूँ जस्ट बिकॉज टू ताकि सो दैट यू पीपल कैन लर्न थिंग्स कि किस तरीके से मार्केट में आप अच्छे स्टॉक्स को टाइम पे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं IEX की, तो IEX की अगर मैं बात करूं तो देखें यहाँ पर 4 मंथ्स को पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी और यहाँ पर मैंने आपको बताया था 14% डाउन है, और यहाँ पर यही नहीं 4 दिन पहले भी यहाँ पर IEX से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। इससे पहले भी यहाँ पर अगर बात करूं 1 महीने पहले IEX नजारा दोनों को यहाँ पर कवर अप किया था, ओके। यहाँ पर देखिए IEX नजारा 1 महीने पहले भी यहाँ पर कवर अप किया था, 3 मंथ्स पहले भी यहाँ पर बताया। क्यों क्यों बताया जाता है, बार बार वीडियो इन स्टॉक्स से रिलेटेड इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये स्टॉक्स मल्टी बैगर स्टॉक्स है, इन्हें अगर हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे तो हम खुद किस स्टॉक्स को रखेंगे, ओके। तो इस चीज को आपको समझनी होगी। देखिए आप अगर सोचोगे कि HUL को लूंगा, तो HUL एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बड़े बढ़िया सर थे वो, शंकर उनका नाम है, तो उन्होंने बताया अगर हम HUL या ब्रिटानिया इस तरीके के बेहतरीन स्टॉक्स लेते हैं तो उसमें गिरावट भी नहीं होगी, आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा, बट आप इतने अच्छे रिटर्न भी नहीं कमा पाएंगे। बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके अच्छे स्टॉक्स में अगर जाएंगे तो वहां पर आप पैसा कमा पाएंगे। तो अगर हम इस स्टॉक्स की बात करें 350 पे मैंने यहाँ पर ये स्टॉक्स को आपको रिकमेंड किया था, जब ये स्टॉक्स यहाँ पर था और यहाँ के बाद ये शेयर यहाँ पर गिर गया था। मेरा एक फ्रेंड है उसने भी यहाँ पर उठाया था, मैंने भी यहाँ पर उठाया था, फिर इसके बाद यहाँ पर 400 के आसपास जब ये शेयर दोबारा यहाँ पर से यहाँ गिरा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो मैंने यहाँ पर भी खरीदा था, यहाँ पर भी खरीदा था, और उसके बाद देखे तो देखिए 350 रुपये पे जब आपको स्टॉक्स बताया था, आज यहाँ पर 707 रुपीज तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया है, और इसके टारगेट अब 1000+ के आने वाले है। तो यहाँ पर अभी बाइंग करनी है कि नहीं उससे रिलेटेड, तो देखिए अगर किसी को रिस्क लेना है तो यहाँ पर जा सकता है, बट अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है तो पेशेंट रखिए, पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखने के बाद क्या करने की जरूरत है, सिंपली यहाँ पर एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिजल्ट एक बार आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको किस तरीके से पोजीशन लेनी है नहीं लेनी है वो आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए 52 वीक हाई यहाँ पर ऑल टाइम हाई यहाँ पर आज की डेट में लगाता हुआ दिखाया है, 15% के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इसके रिजल्ट नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ यहाँ पर आ सकते हैं, और जैसे यहाँ पर रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर जंप आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक मोनोपोली ये भी क्रिएट करता है, रेगुलेटर है एक तरीके से यहाँ पर इंडियन एनर्जीज का, एज वेल एज यहाँ पर देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेशन मतलब ये कंपनी काम करती है, जलाती है, और नंबर ये देखिए इंडिया फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज है, ये इस चीज को भी याद रखिए, इसलिए यहाँ पर इसे ज्यादा नाम दिया जा रहा है। अब बात करते हैं देखिए स्मॉल कैप यहाँ पर मिड कैप कंपनी है, पीई की बात करें ऑलरेडी शेयर भाग लिया है, ROC ROE काफी बेहतरीन है, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है। इसके अलावा हम कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो ऑल टाइम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं,
तो एक दायरे में शेयर चल रहा था, उसके बाद शेयर अच्छा खासा भाग चुका है और अभी भी इसमें बड़ा पोटेंशियल है कि ये शेयर और भी भागेगा। इसमें यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस एक साइड बेस जीवन में ये कंपनी चल रही थी, बट धीरे धीरे अब यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर भागने शुरू कर दिया और अच्छे खासे यहाँ पर प्रॉफिट आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सेल्स, यहाँ पर देखिए अच्छे खासे क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर ईयरली बेसिस में यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी जो कि काफी टाइम से चल ही नहीं रही थी, अब यहाँ पर जब एक साथ चल रही है तो एक साथ बेहतरीन रिटर्न देती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स बेहतरीन है, बोरिंग यहाँ पर कम है और यहाँ पर और भी कुछ चीजों की बात करें, कैश अच्छा खासा है और यहाँ पर देखिए आरओसी आरओई तो काफी बेहतरीन है। 36% की होल्डिंग एफआई की है, डीआई की 25% की है। पब्लिक की बात करें 37% की हिस्सेदारी है, पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो 37 में से भी देखें यहाँ पर अगर बात करेंगे 15-16% की होल्डिंग है, तो लगभग 20% के आसपास की होल्डिंग ही यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है जिसमें ऑपरेटर ने सब यहाँ पर नजर आते हैं। तो आईएक्स की अगर हम बात करें तो आईएक्स यहाँ पर क्या करता हुआ दिखाई देता है, आईएक्स यहाँ पर भागता है, फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है, जिसे हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखें यहाँ पोल बनाया, थोड़ा सा फ्लैग बनाया, फ्लैग बनाने के फिर ऊपर भागा और यहाँ पर दोबारा, और अभी मुझे क्या लग रहा है कि अभी ये शायद 750 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पर रिट्रेस होके थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर एक बार रिजल्ट अच्छे खासे आ गए तो रिजल्ट के बाद दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा। और रिजल्ट आई थिंक अच्छे ही आने हैं क्योंकि जिस तरीके से पावर कंजप्शन चल रही है, पावर से रिलेटेड चाइना की प्रॉब्लम आ रही है, पावर से पावर ही यहाँ पर आपको न्यूज सुनाई दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर और भी तेज भागता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी सी अगर गिरावट होती है और ये शेयर आपको 600 रुपए के आसपास मिलता है तो ओके, तो यहाँ पर अभी भी आप यहाँ पर कभी भी अगर गिरावट होती है तो आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। ओके, ये दोनों स्टॉक्स थे जिसमें हमारा पैसा ज्यादा नहीं, मुश्किल से एक महीने में, और एक में यहाँ पर 3 से 4 महीने यहाँ पर लगे हैं तो हमारा पैसा बनता हुआ नजर आया है, वो भी डबल होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की हमारी वीडियोस चाहते हैं, एज वेल एज वीडियोस तो डेली बनती है, तो इसमें हमें आज शेयर करिए, सपोर्ट करिए जितना हो सकता है। बाकी अगर किसी को पर्सनल के पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि कल की डेट में वीडियो नहीं बना पाया, मैं उसी स्टॉक्स को बताने वाला था, बट बात करें आज की डेट में, 10% से ज़्यादा वो शेयर भागता हुआ दिखाई दिया, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो ऐसे वीडियोज, ऐसे मेरे दूसरे जो फ्रेंड्स थे जिनका मैं और ये जितने भी क्लाइंट है उन्हें मैं बताता हूँ, तो उनके पोर्टफोलियो में यहाँ पर खरीदवा दिया था, अच्छा खासा उन्हें भी प्रॉफिट हो रहा है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करने के बाद आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।